हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल सूर्य एजुकेशन एडिशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो एलएलबी का जो परीक्षा फॉर्म भराने वाला था उसे डेट को बढ़ाया गया है, और कब तक किया गया है और कब से भराया गया ये सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को दी जाएगी। और साथ ही इस वीडियो में ये भी बताया जाएगा कि आप लोगों का जो फीस कितना लगेगा और कितना लेट फाइन है, ये सभी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। कब तक भराएगा और कब से स्टार्ट है, कब लास्ट डेट है, ये सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए हम बताते हैं। उससे पहले, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और साथ ही ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही कमेंट कर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम बताते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है, वहाँ नोटिफिकेशन में जारी किया गया था। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, यहां पर दिया गया है आवश्यक सूचना, यानी एलएलबी कॉलेजों के सभी प्रधानाचार्य को सूचित किया जाता है कि सेशन, यानी एलएलबी कॉलेज जितने भी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एलएलबी कॉलेज आते हैं उन सभी को सूचित किया गया है कि सेशन, यहां देखिए दिया गया है सेशन 3 ईयर्स एलएलबी, यानी जो भी स्टूडेंट 3 ईयर्स एलएलबी लिए हैं और उनका सेशन 2018 कैसे है, और फिर नीचे दिया गया है 5 ईयर्स एलएलबी और सेशन दिया गया है 2018-17, फिर नीचे दिया गया है 5 ईयर्स एलएलबी सेशन दिया गया है 2019-24, फिर नीचे दिया गया है 3 ईयर्स एलएलबी और सेशन दिया गया है 2019-22 के छात्रों को परीक्षा प्रपत्र दिनांक। परीक्षा प्रपत्र का मतलब यह हुआ कि आपका जो परीक्षा फॉर्म है वो कब से भराएगा। तो देखिए, यहाँ दिनांक दिया गया कि 20/4/21 से 28/4/21 तक आप लोगों का जो परीक्षा फॉर्म है वो भराएगा। तो आप लोगों ने देखा कि आप लोगों का जो, या फिर 3 ईयर्स एलएलबी या 5 ईयर्स एलएलबी, या फिर 2018-21 सेशन का हो या फिर 2018-23 सेशन का, इन सभी का, इनमें से आप लोगों का कोई भी सेशन हो या कोई भी 3 ईयर्स एलएलबी हो या 5 ईयर्स एलएलबी हो, कोई भी हो, तो आप लोग देख लीजिएगा आप लोगों का जो परीक्षा फॉर्म है आप लोगों को 20/4/21 से 28/4/21 तक ही भराएगा। तो यहाँ दिया गया कि विदाउट लेट फाइन, यानी कि आप लोगों को लेट फाइन नहीं लिया जाएगा। आप अगर 20/4/21 से 28/4/21 के बीच अपना परीक्षा फॉर्म भर लेते हैं तो आप लोगों को लेट फाइन नहीं देना होगा। लेकिन फिर देखिए नीचे दिया गया है कि 29/4, आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है 29/4/21 से 3/5/21 तक अगर आप परीक्षा फॉर्म भरते हैं तो आप लोगों को विथ, यहाँ देखिए दिया गया है विथ लेट फाइन, यानी आप लोगों को लेट फाइन देना होगा। अब बात यह है कि लेट फाइन कितना देना होगा। तो लेट फाइन जो है, आप लोगों को लेट फाइन यहाँ दिया गया है 200 रुपया मात्र, यानी आप लोगों को 200 रुपया लेट फाइन देना होगा। तो आप लोग 200 रुपया आप लोगों को लग सकता है लेट फाइन, इसलिए आप लोग 20/4/21 और 28/4/21 के बीच में अपना परीक्षा फॉर्म भर लीजिए। फिर देखिए नीचे दिया गया है कि फीस स्ट्रक्चर के बारे में, कितना फीस किनको लगेगा, ये सारी जानकारी फिर नीचे दिया गया है। फिर देखिए यहाँ देगा फीस स्ट्रक्चर के बारे में, अगर आप BC1 में आते हैं, BC2 में आते हैं या जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आप लोगों का जो लगेगा 2100 रुपये पूरा लगेगा, आप लोगों का जो फीस लगेगा 2100 लगेगा। और उसके बाद फिर देखिए नीचे दिया गया है SC ST, अगर आप SC या ST कैटेगरी में हैं तो 1500 रुपये, यानी 1500 रुपया देना होगा। वही बात करें, आप लोग अगर 28/4/21 तक परीक्षा फॉर्म नहीं भरते हैं तो आप लोगों का BC1, BC2 और जनरल कैटेगरी का ये हो, आप लोगों को परीक्षा फॉर्म में 2300 रुपये टोटल पे करना होगा। और वही SC ST की बात करें तो उनका जो है 1500-1700 रुपये लेट फाइन में आप लोगों को पेमेंट करना होगा, 1700 पेमेंट करना होगा आप लोगों को लेट फाइन। तो आप लोग जल्द से जल्द ध्यान दीजिए, आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए कि आप लोगों का जो परीक्षा फॉर्म है
20 चौधरी 28 चौधरी किस तक भराएगा। तो इसलिए आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार रखिए, आप लोग उसके बाद 20 चौधरी 28 चौधरी किस के बीच आप लोग भर लीजिए, नहीं तो आप लोगों को जो है 200 रुपये फाइन लग जाएगा। तो आप लोग ध्यान देते रहिएगा कि आप लोगों का जो परीक्षा फॉर्म है कब से आपका जो लिंक है 20 चौधरी 21 को कब एक्टिव होता है, जैसे ही एक्टिव होगा तो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि इससे रिलेटेड आने वाली वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए धन्यवाद, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए धन्यवाद।